बीती रात महाराष्ट्र के अमरावती जिले के बैतूल हाईवे पर एक बस और कार के बीच जोरदार टक्कर हुई, जिसमें 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 3 लोग बुरी तरह से जख्मी हैं। वहीं घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। आपको बता दें कि घटना करीब रात 3 बजे की है। ये सभी मजदूर मध्य प्रदेश के बताए जा रहे हैं, जो अमरावती जिले में डेली बेसिस पर काम करने आए थे और लौट कर अपने घर जा रहे थे। वहीं अल सुबह बैतूल मध्य प्रदेश के सरकारी अधिकारी, पुलिस, SDM भी घटनास्थल पहुंचे और मौके का मुआयना किया। बताया जा रहा है कि कार चालक को नींद का झोंका आया, जिसकी वजह से कार अनियंत्रित होकर बस से जा टकराई। कार में बैठे 2 बच्चों सहित कुल 11 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हालांकि हादसे में कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई, वहीं कार चालक सहित 3 लोग घायल हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारियों का कहना है कि मृतकों के पोस्टमार्टम के बाद उनके शव उनके गांव पहुंचाए जाएंगे और उनके परिवार को मुआवजा भी दिया जाएगा। जो टवेरा और बस का एक्सीडेंट आज कल रात में हुआ है, उसके लिए हम लोगों ने मौका मुआयना करा है और देखा है क्या स्थिति है। इसमें 11 लोग कुल टवेरा में जो ट्रेवल कर रहे थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अभी BMO को और डॉक्टर्स को मैंने निर्देशित किया है कि तत्काल PL की कार्रवाई करके और जो मृतक हैं उनको हम लोग उनके जो मूल गाँव हैं वहाँ पर तत्काल पहुँचाएँ। अंत्येष्टि राशि के लिए, अनुग्रह राशि के लिए तत्काल हमने कार्रवाई करने के लिए संबंधित विभाग को निर्देशित कर दिया।